<laughs> चलो भाई ये क्लास स्टार्ट करते हैं ना फालतू की बातें तो हो गई चक्कू नहीं था वो है ना आओ ओ माई गॉड बहुत जोश में आते हैं ये पढ़ लेंगे ये पढ़ लेंगे ये पढ़ लेंगे हैं आओ अरे सर जी डाकू बोले भाले इंसान है लगते हैं डाकू तो क्या करें? चलो ये क्वेश्चन रह गया था है ना क्या था हमने कहा था हम कराएंगे तुम बताना बताना तुमने बताया ही नहीं पूरी क्लास ने पढ़ गई तुमने बताया ही नहीं गलती तो तो किसकी बताओ हाँ ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है ट्रिकी 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 नहीं ट्रिकी एक छोटे में हम लोग गेम खेलते थे ट्रिकी तो उसमें टर्न करने होते थे बहुत सारे तो पहाड़ से जंप करके तो हम लोग टिर्की बोलते थे हम लोग छोटे थे टिरकी बोलते थे टिरकी है ना नखलव ट्रकी बेस्ट मैन टैलेंटेड है हम लोग टैलेंटेड नहीं टेंटेड <laughs> चलो ये भैया तुम्हें हेमिसफियर दिया है अली है गॉसियन सरफेस है कुछ नहीं है तुमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है दिख रही है तुमको रिकॉर्डिंग हो रही है भैया कि नहीं हो रही है ये दो घंटे बाद पता बड़ा सुन लो गए हाँ हो रही है तो पूछ रहा है कि इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स होगा कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? सर बहुत सिंपल है फील्ड कांस्टेंट है लगा दो क्या होता है फॉर्मूला फील्ड इनटू एरिया सर पूरा एरिया फोर पाई आर स्क्वायर होता तो इतना कितना होगा टू पाई आर स्क्वायर आ गया सर फील्ड इनटू एरिया अरे भैया चचा एंगल देखो एंगल क्या हो रहा है बार बार चेंज हो रहा है। एरिया से भैया यहां एंगल ज्यादा है यहां कम यहां नाइंटी हो गया यहां और कम यहां और कम एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन लेकिन इंटीग्रेशन करने का टाइम नहीं है है ना क्यों करें इंटीग्रेशन जुगाड़ लगाओ क्या लगाओ जुगाड़ ये बताओ ये बताओ इसके अंदर कोई चार्ज है इस हेमिसफियर के अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है आवाज आ है। साफ आ रही है एकदम साफ आ रही है और धीरे बोल रहे तो आ रही है हाँ तो भैया अंदर चार्ज कितना है जीरो तो नेट फ्लक्स कितना होगा कितना होगा नेट फ्लक्स? जीरो नेट फ्लक्स जी। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा जीरो इसका मतलब जो फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है ये बात क्लियर है अरे चाचा इतना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है तो बाहर जाने वाला फ्लक्स निकालना है लेकिन वो मुश्किल है लेकिन वो किसके बराबर है अंदर आने वाले फ्लक्स के भैया गॉस लॉ क्या था नेट फ्लक्स कितना होता है क्यू इन अपॉन एप्सुल नॉट है ना क्या था नेट फ्लक्स क्या होता है टू इन साइड बाई एपल अंदर जब तो कोई चार्ज ही नहीं है जीरो तो ये भी क्या है जीरो तो तो अब फ्लक्स तो है लेकिन जितना अंदर आ रहा, होता बाहर जा रहा है उतना बाहर जा रहा है तो नेट फ्लक्स जीरो है क्या जीरो है नेट फ्लक्स तो ये निकालना है ये मुश्किल है ये सिंपल है ये निकाल लो बराबर तो है दोनों दोनों क्या है बराबर अंदर आते वक्त देखोगे अंदर आते वक्त एरिया से ये क्या बना रहे हो एरिया से 90 डिग्री है है कि नहीं है इस एरिया से 90 डिग्री है या फिर कह सकते हो भैया एरिया वेक्टर से जीरो एंगल है एरिया वेक्टर से कितना एंगल है जीरो तो फाइव इन कितना हो जाएगा अंदर आने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा ई कितना है इसका ये एरिया कितना होता है पाई आर ये तो टू पाई आर है ये कितना है स्क्वायर और एंगल कितना है जीरो, जीरो, कितना आ गया ई इन टू आर स्क्वायर और अंदर वाला फ्लक्स बाहर वाला फ्लक्स क्या है बराबर इज इक्वल टू फ्लक्स आउट समझ में आया जुगाड़ था ये ये था ये निकाल दिया ये क्योंकि दोनों क्या है बराबर क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है नेट फ्लक्स क्या है जीरो जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है समझ में आया पढ़े आगे ओके आई 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 देख आई के आई आई। तो हमें दर्द होने लगता है चलो ठीक है अब तो स्टार्ट कैसे करें इसको ये भगवान जब हमने पहली बार पढ़ा था हमें चक्कर आ गए थे क्या यार टफ नहीं है क्या टफ नहीं है देखो ऐसा है एक काम करो पहले तो उसको हटाओ ये जो पी लिखा हुआ है उसको हटाओ अरे अरे कालिक पोदीस पे अब ठीक है ये पी वेक्टर है ठीक है हमें पता है एक्सेल पे, एक पे क्या होता है केपी के टू के बी अपन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे क्या होता है के पी अपॉन आर क्यूब अपोजिट में है ना अब यहाँ टेढ़े में क्या होगा ये आर आर दूरी पे है ये कितनी दूरी पे है आर दूरी पे ये क्या है क्या ये डाइपोल पी है ना अब हटात जगह नहीं थी अब एक काम करो तुम इसको तोड़ दो क्या करो तोड़ दो भैया तोड़ने में बहुत मजा आता तोड़ दिया हड्डी तोड़ने की नहीं बोल रहे हैं एक ये कर दिया ठीक है और एक ये कर दिया क्यों ये क्या हुआ हाँ अब पी के दो टुकड़े हो गए सुनना बड़ा हो गया बराबर हाँ. अब दो टुकड़े हो गए पी के ये वाला कितना हो गया पी कॉस थीटा कितना हो गया बोलो यार नहीं बोल रहे कोई नहीं बोल रहा एवरी वन हेट्स मी पी थीटा है ना पी वेक्टर के टुकड़े कर दिए ये कितना हो गया पी साइन थीटा अब फटाक से हो जाएगा फटाक से क्यों हो जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पी कॉस थीटा के लिए उसकी एक्सिस पे है कहा है पी कॉस थीटा के उसकी एक्सिस पे तो यहां पे एक जो हो जाएगी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं ई ठीक है अब ये इसकी एक्सिस पे है तो एक्सिल वाला फॉर्मूला आएगा कितना था फॉर्मूला टू के पी अपॉन आर क्यूब क्या था टू के पी अपॉन तो ये p को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया अब इसको भूल जाओ एक ये है और एक ये है इस वाले की एक्सेस लाई कर रहा है तो इसकी वैसे फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी कितनी होगी टू के पी कोटा अपॉन आर क्यूब ठीक है और ये पॉइंट यही पॉइंट इसके लिए कौन सा है इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर वाला कौन सा वाला परपेंडिकुलर वाला तो इसकी वजह फील्ड कहां होगी इस तरफ होगी कहां होगी किस तरफ कितनी होगी कितनी होगी कितनी हो होती थी अपोजिट होती ना अपोजिट के पी अपॉन क्यूब के पी कौन सा है ये पी साइन थीटा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब तो नेट फील्ड कहां आई कहीं ऊपर के आसपास आएगी ऐसे कहीं बीच में एकदम बराबर नहीं है तो एकदम बराबर नहीं आएगी लेकिन कहीं बीच में आएगी ये बात समझ में आ रही है ठीक है तो मैं तोड़ दिया इसको ये कितना हो जाएगा पी है तो एंगल तरफ कॉस तो पी कॉस थीटा उससे दूर पी साइन थीटा इसके लिए ये एक्सियल है तो जो डायरेक्शन पी की है वही ई की है इसके लिए ये पॉइंट क्या है इक्वेटोरियल तो जो पी की है ई उसके अपोजिट है इसके लिए इसका फॉर्म लगा दिया इसके लिए इसका फॉर्म लगा दिया ठीक है नेट फील्ड कितनी आ जाएगी <laughs> ये नाइनटी पे है आपस में तो नेट फील्ड कहीं बीच में आ जाएगी कहीं बीच में एग्जेक्टली exactly नहीं पता कितना आ जाएगा रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर भैया केपी अपॉन आर क्यूब एक काम करो कॉमन आ जाएगा केपी अपॉन आर क्यूब ए पी अपन आर क्यूब बाहर ले लो सीधा गंदा नहीं करो यहां आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा टू कॉस थीटा का होल क्यूब तो भैया ए पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा अब भैया एक साइन स्क्वायर और एक को स्क्वायर कितना हो जाएगा वन पढ़े हो टेंथ क्लास में एक साइन स्क्वायर और एक को स्क्वायर कितना हो जाएगा वन तो वन हो गया बचे तीन को स्क्वायर कितने बचे तीन को स्क्वायर तो थ्री को स्क्वायर थीटा ठीक है ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया अब ये याद करना है करो नहीं करना है नहीं करो तुम्हारी मर्जी है ठीक है कभी पूछ भी सकता है री थोड़ा तो नीचे लिखा है तो राइटिंग मत देखना ठीक है ऊपर सही आती है है ना देखो कितनी सही आ रही है भावना तो समझ में आई अब नहीं भी समझ में आया छोड़ो ठीक है पर डायरेक्शन देखना आना चाहिए डायरेक्शन देखना आना चाहिए आओ अब जैसे मान लो ये डायपोल दिया है ठीक है हमसे कह रहा है ये आर दूरी पे है ना ये पॉइंट आर दूरी पे है ये भैया पॉइंट आर दूरी पे था ना? ये पॉइंट दूरी पे है अब कह है यहां भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ अप्रोक्सीमेट ऊपर की नीचे की लेफ्ट की राइट ठीक है फिर से काम करेंगे दो में तोड़ देंगे ये हो गया तुम्हारा ये तुम्हारा काम करते ना दो इसमें तोड़ दिया एक इसमें तोड़ दिया कोई समस्या नहीं नहीं भैया नहीं एक एक्सेस के अलॉन्ग है ठीक है तो भैया इस वाले के लिए इस वाले के लिए ये एक्सियल पॉइंट है कौन सा पॉइंट है भले आगे हो या पीछे कौन सा पॉइंट है एक्सियल इसकी वजह से फील्ड कहां होगी एक्सेस की डायरेक्शन में पी वन ठीक है इसको पी वन बोल दिया और इसको जो तोड़ा है ठीक है दूसरा टुकड़ा किया है वो क्या है उसके लिए ये पॉइंट कौन सा है इक्वेटोरियल इसके लिए पॉइंट कौन सा है इक्वेटोरियल तो भैया फील्ड कहां होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन ठीक है ये तुम्हारा तो पी टू तो पी के हमने दो टुकड़े कर दिए ठीक है वही किया जो पिछले वाले में किया था सेम एक ले लिया ऐसा जो जिसके लिए एक्सियल पॉइंट हो और एक ले लिया ऐसा जिसके लिए कौन सा पॉइंट हो इक्वेटोरियल ठीक है दो टुकड़े कर दिए इसकी वजह से कहाँ होगी फील्ड इसकी डायरेक्शन में होगी इसकी वजह से कहाँ होगी फील्ड इसके अपोजिट माइनस के पी अपॉन आर क्यूब इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना माइनस था तो पी के अपोजिट तो नेट फील्ड कहाँ आ गई अप्रोक्सीमेटली कहीं बीच में तो नीचे अप्रोक्सीमेटली कहाँ आएगी डाउनवर्ड्स कहां आएगी डाउनवर्ड्स ठीक है फॉर्मुले तो बच्चे रट लेते हैं ये देखना पड़ता है ये देखना पड़ता है आओ ओके okay. आज भैया गौसलों का बहुत यूज है अब देखो ये फॉर्मुला जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सब सेम फॉर्मुला किस ग्रेविटेशन में भी है स्पियर भैया धरती क्या है स्पीयर कौन सा स्पीयर सॉलिड स्पीयर तो हॉलो सॉलिड दोनों पढ़ना है ये फॉर्मले याद रखोगे तो फायदे में रहोगे है ना क्योंकि ये फॉर्मले ग्रेविटेशन में भी काम एम बी चाहे वाला हमारे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है ठीक है ये फॉर्मूले ग्रेविटेशन में भी काम आएंगे ठीक है करें स्टार्ट चलो आप अंदर दो पॉइंट लेंगे अंदर और बाहर तो और सरफेस पे सरफेस का मतलब बाहर ही होता है ठीक है कह रहा है अंदर फील्ड बताओ बाहर फील्ड बताओ अब ये भैया हॉलोस्फियर है इस पर चार्ज क्यू मान ले रहे क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ठीक है चार्ज कोई दिक्कत नहीं पूरे ग्रीन का मतलब पॉजिटिव चार्ज तो पूरे में पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है बना गंदा हो जाएगा ठीक है पूरे में पॉजिटिव चार्ज है पूरे सरफेस पे अब भैया अंदर फील्ड कितनी तो होगी बाहर फील्ड कितनी तो होगी तो सर हमें कैसे पता देखो तो सेंटर पर निकाल सकते जुगाड़ से इस वाले, इस, तरफ, इस वाले की इस तरफ 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 जो रिंग में किया था मिट्री से सबकी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी जीरो लेकिन भैया सेंटर पे नहीं पूछा है हर जगह पूछा है कह रहा अंदर कहीं भी बताओ अंदर कहीं भी तो एक काम करते हैं एक पॉइंट ले, ले लेते हैं कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं ठीक है ये पी पॉइंट की दूरी है एक्स पी पॉइंट की दूरी क्या है ये पी पॉइंट मान लिया इसकी दूरी है एक्स कितनी है एक्स अब एक काम करो बनाओ गोसियन सरफेस ये क्या होता है गोसियन सरफेस गोसियन सरफेस गोसियन सरफेस इमेजनरी सरफेस बनाओ कैसा है ये इमेजनरी है मोटा बहुत है इमेजनरी इतना मोटा नहीं होना चाहिए अब ठीक है ठीक है अब एक काम करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लो क्या मान लो कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी हमें नहीं पता कितनी है हमने मान ली ई अब देखो ऐसा है जो है ठीक है तो पॉइंट चार्ज की होती है ना ऐसी मान लेते हैं कोई बुराई नहीं है मानने में कोई बुराई नहीं है ठीक है मान ली भैया ई ठीक है पूरे में बाहर जा रही है अब लग नहीं रहा थोड़ा सही से बनाया नहीं है अरे यार और चचा ऐसे ऐसे आई से आई से आई से आई से और आई से ठीक है पूरे में ई मान ली अब ये बताओ गॉस लॉ क्या बोलता है कि भैया नेट फ्लक्स क्या होता है क्यू इन अपॉन एप्स नॉट अब इस गॉसियन सरफेस की जिसकी रेडियस एक्स है ठीक है इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा पूरे में ई है और एरिया कितना है फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है अब ये बताओ अंदर चार्ज कितना है इसके भैया चार्ज तो हॉलोस्फियर पे सरफेस पे है ना कहां पे है सरफेस पे अंदर पूरा खाली खाली है अंदर जैसा कोई चार्ज नहीं है तो इस इमेजनरी सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है कोई चार्ज नहीं है तो भैया अंदर चार्ज कितना हो गया जीरो अपॉन एप्स नॉट करने से क्या हो रहा तो ये जीरो है इसका मतलब ये जीरो है जीरो है तो ये भी जीरो है अब इसमें से क्या जीरो होगा तो जीरो है नहीं फोर फाइव जीरो है नहीं तो इसका मतलब ऑन जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया हॉलोस्फियर के अंदर हर जगह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो रट लो इसको ठीक है पोटेंशियल में भी काम आएगा कितनी होती है जीरो यहां पे जीरो यहां पे जीरो यहां पे जीरो हर जगह जीरो, जीरो। ठीक है आओ अब बाहर देखते हैं वही वही है थोड़ा जूम आउट किया है बड़ा छोटा नहीं किया है वो लग रहा है छोटा देखने में जूम आउट किया है थोड़ा दूर से देख रहे हैं ठीक है अभी भी चार्ज क्यू है इस पर कितना है क्यू चार्ज है हमें लेकिन गौसियन सरफेस के अंदर देखना था इसके गोसियन सरफेस के अंदर जहाँ भी फील्ड निकालनी होती है वहाँ हम सरफेस बना लेते हैं हमने स्फीयर बना लिया था ठीक है अब एक काम कर रहा है अब कह रहा है बाहर बताओ बाहर की तो नहीं फील्ड होगी तो बाहर एक काम करते हैं पॉइंट पी ले लेते हैं पॉइंट पी ले लिया ठीक है अब यहाँ पर बनाओ गॉसियन सरफेस इसके लिए बनाओ गॉसियन सरफेस भैया नहीं नहीं सिमेट्री नहीं आ रही सिमेट्री क्यों नहीं आ रही ठीक है ना, ठीक है थोड़ा ठीक बन गया इमेजनरी है रियल नहीं है लाइन थिकनेस, ठीक है अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना फिर से ई मान ली क्या मान ली फिर से ई ई ई, पूरे में बाहर जा रही है ऑफ कोर्स चार्ज है तो फील्ड भी होनी चाहिए हमारे हिसाब से ना तो हमने ई मान ली ठीक है पूरे में ई बाहर जा रही है अब ई e है कितनी लगाओ भैया इस पे चार्ज कितना है इस पूरे पे चार्ज कितना है क्यू ठीक है या स्मॉल क्यू मान लो जो मानना है मान लो क्या फ़र्क पड़ता है क्यू मान लेते हैं पूरे पे है तो सिमेट्री से फील्ड बराबर होगी अब कितनी होगी ये नहीं पता ये पॉइंट दूरी क्या मान ली हमने एक्स करें स्टार्ट करें चलो फिर से भाई लॉ क्या कहता है लॉ कहता है फ्लक्स क्या होता है क्यू एन बाय नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा यहां से इस सरफेस से कितना हो जाएगा e ई इंटू भैया एरिया हमेशा परपेंडिकुलर ही है तो भैया कॉस 90 सॉरी एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है तो एंगल जीरो है फील्ड में और एरिया वेक्टर में ठीक है तो मैथ लगाने जरूरत तो नहीं है सीधा मल्टीप्लाई कर दो ई इंटू एरिया एरिया कितना e हो जाएगा फ्लक्स ई इंटू फोर पाई एक्स इज इक्वल टू अब इस गौसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है मैं ये बताओ पूरा स्पीयर इसी के अंदर तो है जो तो पूरा चार्ज वाला स्फीयर है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है तो अंदर चार्ज कितना आ जाएगा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा टोटल चार्ज तो ई e कितना आ गया वन अपॉन फोर पाए एप्सल नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तो भैया कितना आ गया ये क्या होता है के के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तो सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज एक्स दूरी कहाँ से है सेंटर से तो so, बेसिकली हम मान रहे हैं कि पूरा चार्ज सेंटर पे है क्यू और वहां से दूरी कितनी एक्स तो फील्ड कितनी है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ठीक है तो बाहर फील्ड ऐसी होती है कि पूरा चार सेंटर मान लो अंदर कितनी होती है जीरो ठीक है याद रहेगा बाहर कितनी होती है नॉर्मल पॉइंट चार वाला फॉर्मूला अब सरफेस पे बोलेंगे अगर सरफेस पे बोले सरफेस पे एक्स कितना हो जाएगा आर सरफेस का मतलब बाहर होता है ठीक है एक्स कितना हो जाएगा आर सरफेस पे कितनी हो जाएगी के क्यू अपॉन खत्म ट था ये खत्म पता है ये कहाँ से सुन लिया हमने खत्म खत्म ये जो हमारे राहुल गांधी हाँ कितनी खत्म <laughs> तो वह दिमाग में बैठ गया मीम्स में आता है ना के क्यूब बाय आर स्क्वायर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ठीक है बाहर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर सरफेस पे पर क्यू बाय आर स्क्वायर क्योंकि एक्स कितना हो गया कि आर अंदर कितनी है जीरो अंदर हर जगह कितनी है जीरो अब ग्राफ की बात करें ठीक है हम सेंटर चलना स्टार्ट कर रहे हैं हमें फील्ड कैसी मिलेगी हमसे पूछा है सेंटर चलना स्टार्ट करो यहां फील्ड कितनी है जीरो यहां जीरो यहां जीरो 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 सब जीरो तो, तो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते जीरो ही मिलेगी सरफेस तक पहुंचते पहुंचते फील्ड हमको जीरो क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं सरफेस तक फील्ड हमको जीरो ही मिलेगी ठीक है जैसे ही सरफेस पहुंच गए सरफेस पे कितनी होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होती है तो सरफेस पे हमें क्या मिल जाएगी ये हमारा एक्स इक्वल टू आर है ना 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 ना, ना। सरफेस हमें एक वैल्यू मिल जाएगी कितनी के क्यू बाय आर स्क्वायर <coughs> के क्यू बाय स्क्वायर मिल गई ठीक है अब क्या है इसके बाद कहानी क्या है इसके इसके बाद बाद कहानी कहानी क्या है? इसके कहानी ये है कि अब जैसे जैसे अब फॉर्मूला मिल रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर कितना मिल रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर तो भैया यह फील्ड जो है ये किस पर डिपेंड कर रही है यह प्रपोशनल है वन अपॉन एक्स स्क्वायर के देखो के तो कांस्टेंट है क्यू भी कांस्टेंट है एक्स को बढ़ाओगे तो फील्ड घटेगी एक्स को बढ़ाओगे तो फील्ड घटेगी 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 तो फील्ड घटती जाएगी क्या आ जाएगा बताओ कैसा आ जाएगा ए और दूर जाओगे तो फील्ड घटेगी हाँ ऐसी ठीक है तो अंदर जीरो है बाहर कितनी है प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स टू वन अपॉन एक्स भैया राइट साइड में फील्ड राइट साइड में है लेफ्ट साइड में फील्ड लेफ्ट साइड में है तो ग्राफ ही क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है नेगेटिव तो इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव है तो यही ग्राफ कहा बन जाएगा डिट्टो फोटोकॉपी डिट तो। नीचे हिट्टो फोटो कॉपी नीचे बन जाएगा आप तुम ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ठीक है आता है मेंस में भैया ना वरना हमें शौक नहीं है नहीं मेंस कह रहे सॉरी नीट में आता है तो मेंस का रिजल्ट आया था ना तो वो दिमाग चल रहा है दो तीन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए मतलब हम तो सोचते हैं कि तुम नंबर लिया कैसे लेते हो इतने नाइन्टी 99 अरे इतने नहीं थे पर नाइन्टी हे भगवान परसेंटाइल होता क्या है क्यों पता तुम लोग पता है परसेंटेज तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये परसेंटाइल कौन चिड़िया है बताएंगे चलो अंदर फील्ड जीरो है जय सरफेस पर पहुंच गए क्या क्यू भाई आर स्क्वायर फिर घटती जाती है दूर जा रहे हो चार्ज से दूर जा रहे हो तो घटती जाती है तो सीधा पॉइंट वाला फॉर्मूला ठीक है आओ ना ना ना, यहां फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला तो याद हो गए आओ बेटा आइए तीन पॉइंट दिए हैं ए बी और सी छोटे वाले पे चार्ज क्यू है बड़े वाले पे चार्ज है थ्री क्यू दोनों क्या है हॉलो है कैसे हैं दोनों हॉलो तो मैं दिख रहा है हॉलो फर है न अब कह रहा है कि ए पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी बी पॉइंट पे कितनी होगी और सी पॉइंट पे कितनी होगी सर जी कंसेंट्रिक स्फीयर है एक ही सेंटर तो तीनों दोनों का अरे आपने दो स्पीयर तो पढ़ाया ही नहीं अरे दोनों का अलग अलग लगा दो। दोनों का अलग अलग लगा दो ठीक है इसका रेडियस टू आर है ना इसका फोर आर है इसका टू आर है ए रखा है आर दूरी पे बी रखा है थ्री आर दूरी पे तो टू आर ज्यादा लेकिन फोर आर से कम यहां पे ये यह रखा है फाइव आर दूरी पे तो बाहर है है ना ये तुम्हारा टू आर है आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर ठीक है पूछा क्या है तीनों पे फील्ड बताओ फील्ड अब भैया फील्ड देखो अगर हम ए की बात करें ए की बात करें तो ए भैया छोटे वाले के भी अंदर है बड़े वाले के भी अंदर है तो भैया देखो फील्ड क्या होगी दोनों की वजह से मिला के होगी एक किसी भी पॉइंट पे दोनों की इफेक्टिव फील्ड होगी है ना नेट फील्ड अब ए इसके अंदर है छोटे वाले के तो छोटे वाले की वजह जीरो और बड़े वाले के भी अंदर है तो बड़े वाले की वजह से भी जीरो तो भैया जो ए है ये स्मॉल वाले के और बिग वाले के इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है तो भैया नेट फील्ड कितनी हो जाएगी इसकी वजह से जीरो इसकी वजह से भी जीरो तो नेट फील्ड जो ए पे हो जाएगी कितनी हो जाएगी जीरो ठीक है तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तब पे जीरो क्यों क्योंकि वो पॉइंट दोनों के अंदर लाए करते हैं ठीक है अब आओ बी पे बी पे भैया प्योर लॉजिक है प्योर लॉजिक दिमाग लगाने नहीं है अब बी पे बी छोटे वाले के बाहर है बड़े वाले के अंदर है बी जो है एक काम कर लेते ना चलो ठीक है बी स्मॉल लार्ज बार बार लिखेंगे थक जाएंगे ठीक है स्मॉल लार्ज है ना एमिंग कर दे रहे भैया बी और टी है ना अब देखो जो बी है वो छोटे वाले के बाहर है बड़े वाले के अंदर है छोटे वाले के बाहर है बड़े वाले के अंदर है और जो सी है वो दोनों के बाहर है कहाँ है दोनों के बाहर है आउट एंड आउट तो भैया जिसके अंदर हो तुम उसका इफेक्ट नहीं होगा इफेक्ट नहीं होगा तो, तो किसके अंदर हो तुम बी के अंदर हो तो ये बी पॉइंट जो है वो बड़े वाले के अंदर है तो बड़े वाले की वजह से कोई फील्ड नहीं होगी किसकी वजह से होगी बस छोटे वाले की वजह से इसकी वजह से होगी बस छोटे वाले की वजह से तो बी पे फील्ड देखें कितनी आ जाएगी छोटे वाले की वजह से कितनी आ जाएगी अब छोटे वाले के बाहर हो अब बाहर के लिए फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर कितना चार्ज है इस पे स्मॉल क्यू लगाओ फॉर्मूला के स्मॉल क्यू अपॉन सेंटर से दूरी चचा सेंटर दूरी कितनी है टी आर आर का होल स्क्वायर ये छोटे वाले की वजह से हुई पड़े वाले के अंदर हैं तो कितनी हो जाएगी जीरो के क्यू अपॉन नाइन आर स्क्वायर ये आ गई बी पे फील्ड अब आओ टी पे देख लेते हैं अब देखो ऐसा है टी पे देखो दोनों के बाहर हैं दोनों की वजह से होगी ठीक है इसकी वजह से भी बाहर को होगी पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी बाहर को होगी तो E1 और e2, ठीक है यहां पर सिर्फ एक ही थी e1, ठीक है बाहर को है ना बाहर को होती ना इसकी वजह यहां पे कुछ है ही नहीं अब खाली खाली है लगाओ सी पे कितना आएगा E1 वन प्लस ई छोटे वाले कितनी होगी अब देखो छोटे वाले के बाहर हो तुम ठीक है तो सेंटर से दूरी लेते हैं कहाँ लेते हैं सेंटर से दूरी है फाइव आर तो के क्यू अपॉन फाइव आर का होल स्क्वायर बड़े वाले के बाहर हो बड़े वाले की दूरी भी सेंटर से लेंगे तो फिर से फाइव आर लेकिन चार्ज कितना है थ्री क्यू के थ्री क्यू अपॉन फाइव आर का तो कॉमन सेंस ये भी बोलता है कॉमन सेंस ये बोलता है कि पूरा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं पूरा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं क्यू प्लस थ्री क्यू कितना हो गया फोर क्यू तो सेंटर मान लिया फोर क्यू दूरी कितनी है फाइव आर लि के फोर क्यू अपॉन फाइव आर का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा फोर के क्यू अपॉन ट्वेंटी फाइव स्क्वायर तो प्योर लॉजिक ध्यान रखना है जिसके अंदर है उसकी वजह से फील्ड नहीं होगी जिसके बाहर है उसकी वजह से फील्ड होगी कितनी के क्यूब आए एक्स स्क्वायर पूरा चार्ज कहाँ मान लेंगे सेंटर पे दूरी कहां से लेंगे सेंटर से ठीक है पूरा चार्ज सेंटर पे मान लिया है है ना समझ में आ रहा है हवा में तो नहीं हो रहा आओ अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्फीयर सेम फॉर्मला अर्थ पे आइएगा अर्थ क्या होता है की सॉलिड जी अंदर तो वो रहते हैं गौजिला और क्या कौन देखिए गौजिला वर्सेस कॉन्ग ओवर अर्थ भैया ऐसा नहीं है सॉलिड होती है अर्थ तो जो फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे फील्ड के वही फॉर्मूले स्मॉल जी के होते हैं किसके स्मॉल जी नाइन पॉइंट एट जो आया है सरफेस पे ठीक है अरे स्टार्ट अब पहला पॉइंट कह रहा है अंदर कहाँ पूछा है अंदर बताओ अंदर फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ थोड़ी खिचड़ी है अंदर एक काम करेंगे एक पॉइंट मान लेंगे पी ठीक है हमने अंदर पहले ही गौसियन सरफेस बना लिया है ये विजिबल है हाँ विजिबल तो है एक काम कर रहे हैं पिंक कलर का बना दे रहे पिंक कलर साफ देखिएगा ओह ओके ठीक है अब साफ दिख, तो दिख रहा है आप तो क्लियर दिख रहा है ठीक है अब ई मान ले रहे हैं e. फील्ड मान ले रहे ई कितनी मान ले रहे ई ये एक्स दूरी पे है नो 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 सेंटर से एक्स दूरी पे है ठीक है और यहाँ हम फील्ड मान ले रहे हैं ई उसके हिसाब से इक्वेशन लगा देंगे अब में गॉस ही लगना है जहां सिमेट्री हो गौसला चिपका दो ठीक है ई मान ली हमने एक्स दूरी पे कितनी मान ली ई ठीक है ये दिख रहा है हाँ दिख रहा है चलो ग्रीन कलर बड़ा अजीब खाया सबको खाया जाता है ठीक है एक्स दूरी पे हमने ई मान ली अब स्टार्ट कैसे करें लगा फॉर्मूला नेट फ्लक्स इज इक्वल टू अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सल नॉट अब भैया सॉलिड स्पीय में चार्ज भरा हुआ है थोड़ा चार्ज ये है थोड़ा चार्ज बाहर भी है पूरा चार्ज अंदर नहीं है लेकिन जीरो भी नहीं है लेकिन जीरो हॉलों में तो खोखला था ना अंदर यहाँ पे क्या था खोखला कुछ था ही नहीं पूरा चार्ज सरफेस पे था अब यहाँ क्या है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये अंदर वाला चार्ज निकालना पड़ेगा है ना अंदर वाला चार्ज कैसे निकाले देखो अंदर वाला चार्ज कितना हो जाएगा क्यों टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम क्या लगाया यूनिट्री मेथड लगाया क्या लगाया यूनिट्री मेथड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लगा भैया टोटल वॉल्यूम क्या होती है फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब आर क्यूब टोटी अंदर वाली वॉल्यूम कितनी ये चार्ज निकालना है बस अंदर वाला कितना है अंदर का कितना है एक्स तो फोर बाई थ्री आई एक्स क्यूब कितना आ गया क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब अब देखो मैथ जो है ना चमत्कार है चमत्कार कैसे भैया देखो एक बार मैथ फॉर्मूला बना लो फिर अप्लाई करना है करना अप्लाई तो इससे दुखी मत हुआ करो ये मतलब बहुत मतलब मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव सीन इन माई लाइफ ठीक है बस थोड़ी आई आई टिकट गंदी होती है ये बहुत क्यूट है तो हमें अंदर वाला चार्ज मिल गया कितना मिल गया अंदर वाला चार्ज मिल गया हमको Q x क्यूब अपॉन आर क्यूब ठीक है इसको यूज कर लेते हैं क्या था भैया क्या था नेट फ्लक्स कितना था नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा ई इंटू फोर पाए स्क्वायर है ना ई इंटू फोर पाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब क्यू इन बाय एप्सिलू इन बाय क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिल नॉट ओ माई गॉड सो क्यूट एक्स स्क्वायर कट जाएगा ई e कितना आ जाएगा क्यू एक्स अपॉन फोर पाए एप्स नॉट आर क्यूब तो एक रख सकते हो एक फॉर्मूला वन अपॉन फोर पाएस नॉट क्या है? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब ये हमको याद था ठीक है इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अब देखो देखना के कांस्टेंट है टोटल चार्ज क्या है कांस्टेंट आर क्यूब रेडियस का क्यूब भी क्या है कांस्टेंट तो के क्यूब और आर क्यूब क्या है कांस्टेंट चेंज क्या हो रहा है बस एक्स क्या हो रहा है चेंज एक्स एक्स बढ़ता जाएगा फील्ड बढ़ती जाएगी तो सेंटर से दूर जाओगे तो एक्स बढ़ेगा फील्ड भी बढ़ेगी ग्राफ की बात करें ग्राफ कैसा आएगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स बाकी तो कॉन्स्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ठीक है एक फॉर्मूला और याद करवाते हैं इसका क्या अब फॉर्मूला हमें याद तो है नहीं पर बना लेते खटाक से है ना इसको वैसे लिख रहे हैं दो फोर पाई एप्स नॉट ठीक है क्यू क्या हो जाएगा क्यू क्या हो जाएगा डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो रख दो E आ जाएगा हमारा चार्ज डेंसिटी इंटू फोर बाई थ्री पाई आरक्यूब अपॉन फोर पाई एप्स नोट अपॉन आर क्यूब ठीक है एक्स भी था ठीक है हमने वो क्यू को रखा है फोर पाई एप्स नॉट वैसे रहने दिया आर क्यूब ठीक है कट्टा पट्टी मारो फोर पाई फोर पाए कट गया आरक्यूब आरक्यूब कट गया कितना आ गया ई रो एक्स बाय थ्री तो ये याद करना थोड़ा सिंपल है क्यूट सा है ये ना दो फॉर्म मिल गए हमको जो तुम्हें याद करना है अच्छा लगे कर लो डोडो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही आ रहा है रो क्या है चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है थ्री एफ्स नॉट बी कॉन्स्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ये हमको याद नहीं है एक बार देख ले फोर पाए कट गया आर क्यूब कट गया थ्री रह गया एफ्सल नॉट रह गया रो रह गया एक्स रह गया ठीक है चलो और और भैया और अब आउटसाइड की बात करते हैं आउटसाइड तुम ट्राई करना तुम ट्राई करना ही तुम्हारा होमवर्क है ऑसियन सरफेस बना लिया ठीक है कितने का एक्स रेडियस का कितने रेडियस का एक्स रेडियस का ठीक है बना लिया मान लिया ई e, है ना आंसर तुम्हें बता दे रहे आंसर क्या आएगा सेम एज होलोस्फियर सेम एज होलोस्फियर ई आउटसाइड कितना होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर सेम डिट्टो अच्छी बात है सरफेस पे कितना होता है सरफेस भैया क्यूब आए आर स्क्वायर क्यों क्योंकि एक्स को क्या रख दोगे एक्स को रख दोगे आर है ना एक्स को क्या रख दोगे आर तो अगर देखें अब बाहर तो सेम फॉर्मूला है तो प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो भाई सेम ग्राफ आएगा बाहर वाला कैसा ग्राफ आएगा सेम सेम आएगा तो लोटा टा ट ठीक है अब भाई लेफ्ट साइड जाओगे सब कुछ क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ताँ। ताँ। अब एक बात गौर करने की है सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ होती है सरफेस पे एक्स अंदर में क्या था प्रोपोर्शनल टू एक्स था तो फील्ड बढ़ एक्स बढ़ रहा था फील्ड बढ़ रही थी बाहर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है भाई ये प्रोपोर्शनल टू एक्स है ये क्या है प्रपोर्शनल टू एक्स और ये क्या है प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ फील्ड बढ़ रही है वहां फील्ड घट रही है तो मैक्सिमम कहाँ होती है सरफेस पे कितनी होती है सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर हम लोग कहाँ रहते हैं धरती के ये बताओ किसी को पता है कि सर जी ऊपर रहते हैं इसके ऊपर आसमान में रहते हैं क्या तो धरती के अंदर रहते हैं हमें छिपा रखी धरती नहीं भैया कहाँ रहते हैं बताओ सरफेस पे रहते हैं सरफेस पे रहते हैं तो सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम होती है तो ग्रेविटी जो है फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड धरती की सरफेस पे क्या है मैक्सिमम नाइन पॉइंट एट धरती के अंदर जाओगे कम होगी धरती के बाहर ऊपर जाओगे दूर जाओ तो भी कम होगी तो अफिया वन तो यहीं पर है यहाँ पर किलो आ रहा है वेइंग मशीन में धरती के अंदर जाओ कम आएगा बाहर जाओ तो भी कम आएगा ठीक है सबसे आज जंप करना मुश्किल यहीं पे है क्यों सो तो मच ग्रेविटी ठीक है सबसे से बात बदकिस्मत है अपन लोग यहाँ कहीं होते है? मस्त उड़ रहे होते है ना हल्का हल्का होता लेकिन नहीं तीसरे माले से गिर जाओ पैर टूट जाता तीसरे माले से तो सब कुछ टूट जाएगा <laughs> पहले दूसरे माले से गिर जाओ पैर टूट जाता है अच्छा हमको ना हाइट फोबिया है क्योंकि तो हमको ये लगता है हाइट मतलब गए तुम छत के ऊपर गए ठीक है अगर मान लो पैर फिसल गया देन देर इज नो रेस्क्यू तुम कितने भी पढ़े लिखे हो विद्वान हो कितनी भी तुमने पाठ पूजा की हो है ना और तुमने कितनी भी बॉडी बनाई हो कुछ भी हो आपके हाथ में आया पकड़ लिया वो अलग बात है अगर एक बार पैर फिसल गया देर इज नो रेस्क्यू भगवान की प्यारा ही होना है ठीक है तो हमें ऊंचाई से बहुत डर लगता है बचपन से ही तो कल हम वीडियो देख रहे थे वो वाली रील आती नहीं रहती है वो जो तो बिल्डिंगों में जंप करते हैं ना क्या बोलते हैं उसको पारकोर है ना पार्कोर बोलते पी ए आर के ओ यू आर है ना पार्कोर तो यार वो सौ सौ मंजिल ऊपर से वो जंप मार रहे हैं हांगकॉन्ग की थी भाई अब जब तक वो दौड़ रहा था तब तक ठीक था फिर वो आगे किनारे आगे एकदम रुक गया कहाँ एकदम किनारे है ना आपके यहाँ कैमरा लगा और ऐसे ऐसे कर रहा ऐसे ऐसे ओह हो मेरे तो डर लग रहा था <laughs> हमने वीडियो बंद कर दी मतलब हमें उसके लिए डर लग रहा था भाई तू तो गिर ना जाए <laughs> बंद करो तो हमें दो तीन बार ट्राई किए देखने का हम देख नहीं पाए तो भैया ऊंचाई से बहुत डर लगता है वहाँ सब बेकार हो जाता है है ना अभी एक था वो क्या करता था वो यूट्यूब टिकटॉक बनाता था चढ़ता था वो वो बिल्डिंगों में चढ़ता था पाइप पकड़ के ये पकड़ के वो पकड़ के तो उसके डेली व्यू बढ़ रहे थे उसकी शायद माँ बीमार थी ना तुम देखो पैसे के लिए आया करना पड़ता है तो उसको पैसे इकट्ठा करने थे माँ की उसके इलाज के लिए तो डेली करता था ये ठीक है तो ऑलमोस्ट इलाज हो ही गया था माँ का लेकिन अब आदत पड़ गई हर दिन इतने व्यू आ रहे हैं इतना पैसा आ रहा और इसमें क्या होता है कि भैया ऐसे कामों में कि अगर डेली वही काम करोगे तो व्यू नहीं आएंगे हर बार कुछ नया करना पड़ता है ना कुछ एक्स्ट्रा तो एक बार भैया वो तीस पचास मंजिल चढ़ रहा था मतलब वो भी तीस नीचे से नहीं यहाँ बीच से बीच बिल्डिंग से तीस मंजिल और चढ़ रहा था ठीक है आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो लास्ट में लास्ट में के हाथ लास्ट में चढ़ नहीं पाया बेचारा ठीक है ऐसे काम मत करना कभी हीरो पर बन नहीं बनना है ना सिर्फ वीडियोस के लिए व्यूज़ के लिए बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं आजकल है ना इंस्टा पे जा रहे हैं ट्रेन के पास में ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ऐसे ऐसे है ना ट्रेन निकल गई बगल से हवा आई लिपट गए पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो भैया ठीक है एक बार सिलेक्शन हो गया तो यार टेंशन ही खत्म है फिर सुकून से कटती है एमबीबीएस में मेहनत बहुत है हम मान रहे हैं लेकिन सुकून से होता है ऐसे नहीं कि बताया अभी जैसे इतना पढ़ना पड़ रहा इतना नहीं पढ़ना पड़ता आओ अब आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ है <laughs> आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ है एक क्वेश्चन करवाते इस पे वैसे अभी ग्रेविटेशन बहुत करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आओ फॉर्मुले याद हो गए अंदर क्या था के क्यू एक्स अपोन आर क्यूब और रो आर बाय थ्री एप्सन रो एक्स बाय थ्री एप्सन नोट ठीक है और बाहर कितना होता है सेम तो बाहर तो सेम ही है तो बहुत सिंपल है हॉलो सॉलिड बाहर सेम है के क्यू बाई एक्स एक्स को पूरा चार्ज सेंटर में मान लो पूरी लेंगे सेंटर से है ना और अंदर वॉलो में जीरो होती है तो याद ही नहीं रखना है और सॉलिड में कितनी होती है तो अभी पढ़ रहे थे रहा वाला फॉर्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये बताओ इन जनरल पढ़ाया था हमने पहले साइनेटिक एनर्जी तो पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फीलिंग लाओ फीलिंग अच्छा जैसे पेन जाना चाह रही है नीचे हम जबरदस्ती इसको है ना इसकी इच्छा के अगेंस्ट कि नहीं प्लीज नहीं इन दो प्रेमियों को मिलने से हम अलग कर रहे हैं है ना <laughs> तो जब हम इनके अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है जब वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है तो हम इसको एच ऊपर ला रहे हैं तो हमने फोर्स भी ऊपर लगाया डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ तो हमने पॉजिटिव वर्क किया वही इसकी एनर्जी में स्टोर हो गया तो बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है ठीक है अब मान लो दो चार्ज हैं Q1 Q2 क्यू संसार पूरा खाली था संसार पूरा यूनिवर्स खाली है कोई नहीं है एकदम डार्क ब्लैक कुछ नहीं है ठीक है बस तुम हो ना, बस तुम हो तुम पहले एक चार्ज क्यूबन को पकड़ के ले आए ठीक है जब तुम क्यूबन को लाए तो कोई चार्ज था नहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा था कोई दिक्कत नहीं आराम से ले आए अब इसकी उपस्थिति में क्या बोल रहा हूं मैं वर्ड सुन ना इसकी उपस्थिति में उपस्थिति मतलब इसकी प्रेजेंस में जब तुम दूसरे चार्ज को लाओगे लेट से दोनों पॉजिटिव है लेट से दोनों पॉजिटिव है जैसे हैं Q1 तो पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव रिपल्सन होगा ठीक है अब तुम वो रिपल्सन लाएगा तो मैं जबरदस्ती फोर्स लगाना पड़ेगा ना रिपल्सन लग रहा है ना जबरदस्ती आ, आ आ आ कैसे नहीं आएगा तो तुम जबरदस्ती लाओगे तुम मेहनत करोगे तुम एक फोर्स लगा रहे हो तुम डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो हाथ से तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा ठीक है तो मिनिमम वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम इन्फाइट अपार्ट पहले बहुत दूर थे इन्फाइट दूरी पे थे तुम तो एक उठा के ले आए अब जब इसकी प्रेजेंस में दूसरे को लाओगे तो एक वर्क करना पड़ेगा वो उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा मिनिमम वर्क ठीक है मिनिमम वर्क ज़्यादा कर दोगे तो कानी एनर्जी मिल जाएगी है ना क्योंकि वर्क डन क्या होता है एक्सटर्नल वर्क डन होता है डेल यू प्लस डेल के तो हम मिनिमम वर्क कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मिनिमम तो पूरा किस्म जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में पूरा किस्मत जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में अब हमको पता है बहुत प्यार से लाना है बहुत स्लोली ठीक है दौड़ाना नहीं है कार्य एनर्जी नहीं देनी है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देनी है तो जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा क्या लगता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या लगता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है या एक्स स्क्वायर एक्स दूरी मान लेते हैं एक्स स्क्वायर जितना फोर्स लगा रहे होंगे चार्ज उतना ही तुम्हें लगाना पड़ेगा लाने के लिए ठीक है लगा रहे हैं, तुम प्यार से उतना ही लगा रहे हो अब लेकिन दूरी जब चेंज होती है दूरी चेंज होती है तो फोर्स भी क्या होता है दूरी चेंज होती है तो भैया फोर्स भी क्या होता है चेंज तो ये एक वेरिएबल फोर्स है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जितना पास लाओगे उतना फोर्स बढ़ता जाएगा ठीक है शुरू में बीस न्यूटन फिर तीस चालीस पचास सौ तो तुम्हें एक वेरिएबल फोर्स लगाओगे कौन सा वेरिएबल तुमको पता ही है जहां चीजें वेरिएबल होती क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन करोगे इसका करके आया जब हमने इंटीग्रेशन किया ठीक है तो ये एनर्जी ये वाली आती थी। ठीक है इंटीग्रेट करने के बाद आई है करके देख लो यार वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या इंटीग्रेट करो फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर चेंज तो एक्स हो रहा है ना माइनस वन अपॉन एक्स आएगा ठीक है तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स फोर्स में क्या था एक्स स्क्वायर इसमें क्या आ गया एक्स अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दो चार्ज की आपस में होती है म्यूचुअल जैसे फोर्स दो के बीच में होता है ना एनर्जी भी दो की होती है एक की नहीं होती क्योंकि एक को लाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा उसकी प्रेजेंस में दूसरे को लाओगे तब फोर्स लगेगा तब तुम फोर्स लगाओगे तब वर्क होगा ठीक है तब एनर्जी आएगी तो ये क्या है म्यूचुअल क्वांटिटी म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल फ्रेंड सर म्यूचुअल फ्रेंड की फ्रेंड सर उसको फ्रेंड सर नहीं म्यूचुअल मतलब क्या होता है आपस में क्या होता है आपस की चीज है ना? फोर्स क्या है आपस की चीज तो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए होती है और ये सिंपल बहुत है सिंपल क्यों है स्केलर है फोर्स क्या था वेक्टर स्केलर है ऐड कर दो स्केलर है सिंपली ऐड कर दो देखो आओ ये कह रहा है कि ये चार्जेस आर दूरी पर रखे कितनी दूरी पर रखे आर दूरी पर रखे तो इनिशियल पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर अब कह रहा है इनको पास लाना है आर बाय टू दूरी पे लाना है पास लाना है आर बाय टू ऑफकोर्स मान लो पॉजिटिव है मान लो लेट से तो पल्सन हो रहा होगा तो एक वर्क करना पड़ेगा पास लाने के लिए ठीक है तो मिनिमम वर्क पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मिनिमम तो भैया अगर आर बाय टू दूरी पे आ गए कितनी दूरी पे आ गए आर बाय टू दूरी पे तो तब एनर्जी कितनी हो जाएगी इनकी सीधा यू फाइनल कितनी हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर बाय टू कितना आ गया टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वैल्यू तो पुट की है अब नया आर कितना हो गया आर बाय टू तो भैया मिनिमम वर्क डन क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ठीक है कितना आ जाएगा फाइनल कितनी है टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर माइनस के क्यू वन क्यू टू आर कितना आ गया के क्यू वन क्यू टू बाय कुछ टफ था नहीं स्केलर है डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है एक और चीज़ देखते हैं सुनो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा रिपल्सन होगा तुम्हें दम लगानी पड़ेगी तो तुम वर्क कर रहे हो पॉजिटिव तो एनर्जी भी क्या होगी पॉजिटिव चेक करो अगर Q1 Q1 पॉजिटिव है अगर Q1 और Q2 टू तो एनर्जी Q1 Q2 एनर्जी दो 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 दो। चेक कर ले रहा है एक बार कट्टस ठीक है चलो आते हैं अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है पॉजिटिव 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 इनटू पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव तो एनर्जी क्या आ गई पॉजिटिव कॉमन सेंस है दोनों एक जैसे हैं पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है तुम्हें तो बहुत दम लगानी पड़ेगी लाने में दम दिखे तो यार दम दिखनी चाहिए हाँ दम लगानी पड़ेगी लाने में हाँ ठीक है <laughs> तो एनर्जी क्या हुई पॉजिटिव अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव ले लेते हैं दोनों नेगेटिव दोनों नेगेटिव नेगेटिव।, नेगेटिव 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 भी क्या हो रहा है रिपल्सन क्या हो रहा है रिपल्सन तो दम लगानी पड़ेगी लाने के लिए पास्ट वो आना नहीं चाहते तुम पॉजिटिव वर्क कर रहे हो तुम दम लगा रहे हो ठीक है माइनस इन टू माइनस क्या आएगा प्लस भाई डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है कभी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है तो इन पर डिपेंड करता है क्यू वन क्यू टू पे एनर्जी क्या आ जाएगी पॉजिटिव अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अब दो कोई भी एक ले लो चाहे क्यू वन ले लो चाहे क्यू टू ले लो एक पॉजिटिव एक निगेटिव चाहिए ले लो चाहिए ले लो ठीक है अब पोविट चार्ज अब तो खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं खुद ही आ रहे हैं तुम्हें कोई वर्क नहीं करना है तुम्हें आराम से लाना है तो तुम ऐसे आराम से लाओगे तुम फोर्स वहाँ लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तुम एक निगेटिव वर्क कर रहे हो रोक रोक के ला रहे हो रोको आराम से आओ आराम से आओ है ना भाग के नहीं आना है ठीक है तो तुम नेगेटिव वर्क कर रहे हो एनर्जी क्या आएगी नेगेटिव देख लो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव तो लाइक चार्जेस पे एनर्जी पॉजिटिव होगी लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस पे एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव और अनलाइक चार्जेस पे एनर्जी क्या होगी निगेटिव समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? हवा में नहीं हुआ ये ठीक है अब इंटीग्रेट नहीं करवाएंगे? बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है कुछ नहीं है पूरे में ठीक है अब पेयर की एनर्जी होती सर तीन में क्या होगा सर तीन में क्या होगा आपको दिख रहा है इक्वलेटर ट्राइंगल है कौन तो सा ट्राइंगल है इक्वलेटल ए ए ए तो भैया पेयर देखो कितने हैं एक पेयर ये है एक पेयर ये है एक पेयर ये, ये है कितने पेयर हो गए तीन कितने हो गए तीन तो हर पेयर की अलग अलग एनर्जी होगी हर पेयर की अलग, अलग अलग एनर्जी होगी तो कितनी हो जाएगी सिस्टम की के क्यू स्क्वायर बाय ए के क्यू स्क्वायर क्यू क्यू तो सेम ही है क्यू वन क्यू टू तो के क्यू स्क्वायर ए के क्यू स्क्वायर बाय ए तो बार बार ना लिखो है ना ये जो हमने गलतियां की हैं तुम्हें तो नहीं करनी वो तो हम समझा रहे थे तीनो एक जैसे हैं तो थ्री के क्यू स्कोयर बाय ए तो भैया पेयर देखने हैं क्या देखने है? पेयर नंबर ऑफ पेयर यहां पे कितने पेयर बनेंगे जी एक दो तीन और चार अच्छा भैया ये पेयर नहीं है ये पेयर नहीं है तो डायग्नल वाले के भी पेयर होंगे लेकिन डायगनल वाली दूरी कितनी होगी रूट टू ए जी रूट टू ए कहाँ से आया ए ए पाइथगोर ना अब बताओ कितनी है सिस्टम की एनर्जी कितनी है कितने पेयर हैं? एज वाले पेयर कितने है? चार एक दो तीन चार एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला मतलब नेमिंग कर देते हैं। एक पेयर ए बी एक बी सी एक सी डी और एक डी ए सबकी क्या हो जाएगी स्क्वायर बाय ए के क्यू स्क्वायर बाय ए नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आएगा तो चार बार तो फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए अब भैया डायगनल कितने हैं एसी और बी डी ए सी और बी डी तो दो हैं दो पेयर है टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए अब प्लस तुम करते रहना प्लस तुम करते रहना समझ में आ रहा है पक्का करोगे तो भैया आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए यहाँ मिले फोर यहाँ टू अपॉन रूट टू कितना हो जाएगा रूट टू ऐस दिया होता है पेपर में ठीक है केयर है कोई डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है ऐड कर दो चार पेयर चारों की ऐड कर दी दो पेयर डाइंगल वाले दोनों की ऐड कर दी लो खत्म आओ <coughs> पहले भैया ट्रायंगल की साइड थी एल ठीक है अब कह रहा है डायमेंशन डबल करनी है डायमेंशन डबल करनी है टूवेल्व करना है अब देखो क्या रखा है आइडेंटिकल चार्जेस रखे हैं इक्वलेट्रल ट्रायंगल पे ये देखो ये ठीक है सेम यही है बस लेंथ एल दी हुई है तो पहले की एनर्जी क्या हो जाएगी पहले एल, है। पहले है? एल। बाद में कितनी है टू एल इनिशियल बाय फाइनल कितनी हो जाएगी री के क्यू स्क्वायर बाय टू एल वर्क डन मिनिमम कितना हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल तो के क्यू थ्री के क्यू स्क्वायर बाय एल तो कॉमन आ गया फाइनल माइनस इनिशियल तो वन बाई टू माइनस वन निगेटिव आ रहा है माइनस वन बाई टू आएगा ये तो माइनस थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर बाय एल ये तो यू आया है अब वो ये कह रहा है यू सॉरी ये वर्क डन आया है डन मिनिमम वर्क डन अब लेकिन हमें दिया क्या है हमें फोर्स दिया है कहाँ गया फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज एफ किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एफ कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर नेट फोर्स नहीं बिटवीन एनी टू चार्जेस किसी भी दो चार्ज के बीच में के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है तो यहां से हम के क्यू स्क्वायर बाय एल को निकाल ले रहे हैं एक एल ले जाओ के क्यू स्क्वायर बाय एल मिल गया कितना आ गया एफ एन टू एल उठ कर दो यहां पे ये आ गया ठीक है कोई मैच कर रहा है लो समझ में आया पक्का इसी वाले को अपन ने एक बार यहाँ पे यूज कर लिया है ना और उसी को जो वर्क आया था उसको फोर्स के टर्म्स में लिख दिया हवा में तो नहीं हो रहा वो भी रहा है सर जी आपको कहाँ परा पड़ेगा लाइव क्लास तो हो नहीं रही है उल्लू बना दिया है <laughs> उल्लू नहीं बनाया रखेंगे एक्चुअली बात ये हो गई है बता रुक जाओ जा एक घंटा हो गया बात ये हो गई है कि हमें पड़ गई रात में रिकॉर्ड करने की आदत तो क्योंकि शुरू में क्या हुआ जब बैच स्टार्ट हुआ था तो हम कानपुर से करते हैं रिकॉर्ड अब तो कानपुर आ मत जाना ठीक है <laughs> तो ये कह रहे थे कि कानपुर से रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ये होता है कुछ लाइव बैच चल रहे थे तो हमें रात में मिलती थी ठीक है तो हम रात में रिकॉर्ड करते थे अब क्या अब खा ली है अब दिन भर खाली है ठीक है लेकिन हमें रात में रिकॉर्ड करनी है आदत पड़ गई है तो हम रात में रिकॉर्ड करते हैं बढ़िया रात में जाते हैं अब हम बताएंगे थोड़ा गेम खेलते हैं है ना नरेद <laughs> लिए हैं गेम भाई इतना इतना सही बता रहे हमारा महीने का इतना खर्चा गेम का है इतना खाने का नहीं है ठीक है हम नए नए गेम खरीदते रहते हैं और दस दिन में पार ठीक है तो वो चोरी वाले गेम अच्छे वाले पबजी सब्जी नहीं तो फिर वो खेलते हैं पता ही नहीं पड़ता है लेट हो जाता है तो सुबह दिक्कत जी है सुबह नौ बजे उठने में दिक्कत है उठने में आठ बजे सॉरी सात आठ बजे दिक्कत है तो उसको करना पड़ेगा उसका सर्दी तो कम हो गई है ना सर्दी तो कम हो गई है कम हो गई सर्दी लेकिन अभी भी थी सर कल पर बारिश वो तीन दिन पहले बर्फ़ गिरी थी तो रात में बहुत ठंड हो रही है सुबह बहुत ठंड हो रही है ठीक है सुबह उठने का अलार्म नहीं देता <laughs> नींद वैसी आती है एकदम मतलब सो गए सो गए सो तो ही गए फिर हमें उठा कोई बाहर फेंक दे पता नहीं बस छत से फेंकने पर आएगा तब वो फील आएगी <laughs> तो आओ एक चार्ज Q है ये Q है ये फिक्स है इसको हम Q को A से B ले जा रहे हैं कहाँ A से B अब कैसे भी ले जा रहे हो उससे मतलब नहीं है कितना वर्क करना पड़ेगा मिनिमम वर्क डन बताओ भाई मिनिमम वर्क डन जो होता है वो होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल है ना ये हमने पढ़ा है कहाँ पढ़ा है अरे यार वर्क क्या था डेल U प्लस डेल की अभी बताया था मिनिमम वर्क कर रहे हो ये जीरो मानेंगे कोई कार्डिक एनर्जी नहीं दे रहे हम पूरा एनर्जी किस में जा रहा है पोटेंशियल में ठीक है मिनिमम वर्क कर रहे हैं तो यू फाइल माइनस यू इनिशियल कहीं भी मिनिमम वर्क डन की बात आए किसी भी चैप्टर में मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब प्रॉब्लम यह है कि भले तुम क्यों को ए से भी ले आए कैसे भी ले आए डायरेक्टली ले आए लियो डायरेक्टली ले आए घुमा के ले आए यहां से ले आए है ना यहाँ से ले आए उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें बस इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से अंतर है मतलब है ठीक है पहले दूरी कितनी है ये बताओ पहले दूरी कितनी है आर बाद में दूरी कितनी है आर पहले दूरी कितनी है आर बाद में, में भी कितनी यहाँ पे ले आए क्यू को स्मॉल क्यू को दूरी कितनी है इन दोनों में आर इसको यहाँ से यहाँ ले भी आए डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ क्या लिखोगे फाइनल क्या होगी जितनी पहले उतनी बाद में कितना वर्क डन ज़ीरो तो हमें आपस की डिस्टेंस से मतलब होता है अगर डिस्टेंस आपस की चेंज नहीं हो रही है चेंज नहीं हो रहा है जीरो वर्क डन क्या है मिनिमम जीरो ठीक है इस लॉजिक का बहुत यूज है आओ यहाँ तबीयत तुम्हारी सही हो जाएगी खराब होगी तो खराब हो सही होगी तो खराब हो जाएगी ठीक है माय <coughs> गॉड oh ये पहली बार हम देखा हमें चक्कर आ गए थे है बहुत इजी बहुत इजी है टफ नहीं है बस पता हो करना क्या है एक लाइन का है <coughs> आओ टफ नहीं है अरे हमें चक्कर इसलिए आ गए थे हम पढ़ते ही नहीं थे यहाँ गोबर भरा हुआ था दिन भर बस क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट तो नहीं लॉन टेनिस हम लोग बगल में कुआ था क्या वो स्टेडियम लॉन टेनिस खेल रहे दिन बार तो बस कोई कान रखा नहीं शुरू कैसे करें क्या बोल रहा है पहले पढ़ लो कह रहा है ए और बी पे चार्ज फिक्स है क्यू और माइनस क्यू है ना ठीक है इनका डिस्टेंस टू एल है तो ये हो गया एल ये भी हो गया एल सी मिड पॉइंट है बी और डी का ठीक है बी और ए का ठीक है अब कह रहा है एक प्लस क्यू चार्ज है उसको हम ए से ले जा रहे हैं डी तक कहाँ तक डी तक ले जा रहे हैं ठीक है ए से कोई दिक्कत नहीं है हमें फाइनल से मतलब है कैसे भी ले जाओ ठीक है इनिशियल फाइनल से मतलब है एनर्जी स्केलर होती है क्या होती है स्केलर वर्क कितना करना पड़ेगा क्या पूछा है वर्क अब देखो तीन चार्ज है अपन के पास Q माइनस क्यू और येल्लो वाला ठीक है तो इसको नेमिंग कर देते हैं इसकी बोलते हैं नेमिंग वन ग्रीन वाले को बोलते हैं वन अब ए बी सी डी तो लोकेशन है ए बी सी डी क्या है लोकेशन पोजिशन है उसको छोड़ो हम चार्ज की नेमिंग कर देते हैं रेड वाले की है टू और येलो वाले की है थ्री ठीक है तो तीन चार्ज हैं तीन पेयर बनेंगे वन टू टू थ्री थ्री वन क्या बनेंगे वन टू टू थ्री और थ्री वन ठीक है तो अगर एनर्जी लिखोगे एक वन टू की होगी एक वन थ्री की होगी और एक टू थ्री की होगी है ना? इसकी 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 है ना अब देखो ऐसा है जब हम वर्क की बात करते हैं तो हमें चेंज से मतलब होता है इससे मतलब होता है चेंज से है ना मिनिमम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो चेंज ऑफ वन टू चेंज ऑफ वन थ्री चेंज ऑफ टू थ्री अब दो बार तीनों लिखोगे तो पागल हो जाओगे इतनी पहले तीन बार इनकी छपकी लिखी पहले कितनी थी फिर बाद में कितनी है तो पागल हो जाओगे एक लाइन का क्वेश्चन है देखो चेंज कौन सी हो रही उस पर करो फोकस जो चेंज नहीं हो रही है जो चेंज नहीं हो रही उसका चेंज कितना होगा जीरो ठीक है तो जीरो हो जाएगा चलो शुरू करते वन और टू तो फिक्स है वन टू को मूव नहीं करा रहे थ्री को मूव करा रहे थ्री को यहां से यहां मूव करा रहे वन और टू फिक्स है जब वन और टू फिक्स है तो उनका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा एनर्जी क्या है फिक्स चेंज कितना होगा जीरो तो वन और टू का चेंज क्या हो गया जीरो ठीक है भैया कलर पर्पल यूज कर लो मजेंटा जीरो अब थ्री और टू की दूरी कितनी है एल बाद में पहले एल है बाद में कितनी है भाई पहले पहले क्यू और क्यू यहां रखे थे थ्री और टू दूरी एल थी तुम थ्री को यहां ले आए अब भी थ्री और टू में दूरी कितनी है एल चार्ज चेंज नहीं हुआ डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ भले पोजीशन चेंज हो गई पर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ पहले भी एल था बाद में भी एल है तो टू और थ्री में चेंज कितना आया जीरो जिसमें चेंज है ही नहीं उसको क्यों लिखें बार बार ठीक है क्यों लिखें बार बार तो भैया जो वर्क डन मिनिमम आएगा वो यू फाइनल ऑफ वन थ्री माइनस यू इनिशियल ऑफ वन एंड थ्री खत्म ठीक है ख़त्म अरे यार कितनी बार ख़त्म बोलेंगे वन एंड थ्री यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अरे अब वन और थ्री को देखो वन और थ्री थ्री में पहले कितनी दूरी है एल कितना आ जाएगा बाद में कितनी दूरी है क्यू यहां आ गया क्यू तो जो है ये यह यहां आ गया थ्री वाला तो वन और थ्री में कितनी दूरी है थ्री एल तो फाइनल कितनी हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन थ्री एल माइनस इनिशियल दूरी कितनी थी एल के अपॉन एल करो सॉल्व है. वन बाय थ्री माइनस वन कितना होता है माइनस टू बाय थ्री तो कितना आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री के क्यू क्यू अपॉन एल कुछ टफ था मैं बताओ बस देखना था किसकी आपस में दूरी चेंज हो रही है किसकी दूरी चेंज नहीं हो रही है तो वन और थ्री की हो रही है वन और टू तो रेस्ट पे है कुछ नहीं हो रहा चेंज और टू और थ्री की डिस्टेंस सेम है पहले भी एल बाद में भी एल तो भैया माइनस टू बाय थ्री अब के को रख देंगे वन अपॉइंट फोर पाए नॉट क्यू क्यू बाय एल कट्टा पट्टी मारो भैया माइनस वन बाय सिक्स पाए नॉट क्यू क्यू बाय एल टन 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 ठीक है देख लेना गलती होगी नहीं आओ समझ में आ रहा है हवा तो नहीं हो रही है ना स्केलर है कोई दिक्कत ही नहीं अब पोटेंशियल क्या होता है देखो जैसे फील्ड याद है फील्ड में कहते थे कि भैया एक कूलाम पे कितना फोर्स लग रहा है तो यहां भी है कि अगर क्यू चार्ज की प्रेजेंस में किसमें क्यू चार्ज की प्रेजेंस में एक कूलाम को ले आ रहा है बहुत दूर से कहा से इन्फिनिटी से किसको एक कूलाम को एक कूलाम को तो कितना वर्क करना पड़ेगा के क्यू वन बाय आर के क्यू वन क्यू टू बाय आर के क्यू वन बाय आर के क्यू इन टू वन बाय आर कितना आ गया केक्यू बाय आर इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है ठीक है तो जैसे फोर्स दो के बीच में था फील्ड एक की थी ऐसी पोटेंशियल दो की होती है और पोटेंशियल एक का होता है ठीक है फील्ड में हमने दूसरे चार्ज को वन मान लिया था इसमें भी दूसरे चार्ज को हमने वन मान लिया है यहां पोटेंशियल कितना होगा वन गुलाम को इन्फिनेटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या यहां पे पोटेंशियल पढ़ लो ठीक है तुमने ये वाइवा में दिया होगा ट्वेल्थ क्लास में ना इट इज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज तो ये इंडिविजुअल क्वांटिटी है स्केलर है इधर भैया जब वो स्केलर थी एनर्जी ये, ये भी एनर्जी है बस दूसरा चार्ज क्या हो गया है वन ठीक है तो सीधा ऐड कर देंगे ये भगवान ये नहीं ये भी नहीं ये भी हाँ ये करते हैं सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा सेंटर की दूरी ये ए दिया हुआ है कितनी बार कर चुके हैं हम वो तो बोल ए बाय रूट टू ठीक है इसको आर बोल देते हैं अभी अभी इसको आर बोल देते हैं बाद में पुट करेंगे ए बाय टू ठीक है तो सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है सेंटर पे कितना हो जाएगा क्यों के क्यू वन बाय आर इसकी दूरी भी आर इसकी भी आर इसकी भी आर इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर चारों की एड कर दो का पोटेंशियल डायरेक्टली एड कर दो तो भैया नेट पोटेंशियल एट द सेंटर सेंटर कितना हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी, वी थ्री प्लस वी फोर करो ऐड भैया के क्यू बाय आर आर को बाद में पोट करेंगे के टू क्यू बाय आर तो सीधा क्यू वन क्यू टू पोट करना है बस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू बाय आर और k इंटू माइनस थ्री क्यू बाय आर के क्यू बाय के बाय आर तो कॉमन मिल गया कर दो ये सबको ऐड q प्लस क्यू प्लस टू क्यू माइनस थ्री क्यू क्यू ही आ गया वैसे तो के क्यू बाय आर आर कितना था ए बाय रूट टू अब जै नहीं कहना ए बाय रूट टू कैसे आया करवा चुके हैं पहले रूट टू ए का आधा रूट टू के क्यू बाय ए ठीक है? कुछ टफ था तो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर सबको ऐड कर दिया ए बाय आर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर ठीक है केला क्वांटिटी है डायरेक्शन कोई दफड़ा नहीं है ये तुम कर लेते चलो बाहर गाना बज रहा है ये जॉब बढ़िया है गाने भी सुनते रहो चलो ये चार्ज Q है Q माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू तो Q फिर माइनस क्यू और फिर Q फिर माइनस क्यू क्यू और फिर माइनस क्यू अब कह रहा है सेंटर पे क्या होगा देखो सेंटर पे पोटेंशियल तो कॉमन सेंस है आर दूरी मान लेते सेंटर की आर दूरी अब की दूरी आर है है ना आर 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 तो भैया नेट पोटेंशियल हो जाएगा सेंटर पे k बाई आर क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू लो कितना आ गया जीरो कितना आ गया ज़ीरो अब फील्ड की बात कर लेते हैं लो अब चार्ज बराबर है सबकी दूरी बराबर है मैग्नीट्यूड अलग अलग है मान रहे नहीं आ, नेचर अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है Q, 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 सब क्यू 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 सबकी ई e, ई e मान लेते हैं पॉजिटिव वाले की इस तरफ इस पॉजिटिव वाले की इस तरफ नेगेटिव वाले की खुद की तरफ उस नेगेटिव वाले की खुद की तरफ क्या हो गया तुम बताओ कितना आ रहा है जीरो इतना आ रहा है जीरो इन दोनों कैंसिल हो गई इन दोनों की भी कैंसिल हो गई भैया सब कुछ क्या आ गया जीरो ठीक है अब हर बार नहीं है कि फील्ड कैंसिल हो जाए अगर यहाँ लाल लाल रख दोगे दोनों और यहाँ हरे हरे रख दोगे पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल तो भैया सम जीरो आएगा क्योंकि तो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है लेकिन तब फील्ड जीरो नहीं आएगी ठीक है तो चेक करना पड़ेगा फील्ड में डायरेक्शन का लोचा है पोटेंशियल में डायरेक्शन का लोचा नहीं है कुछ तो तो रह गया था अभी तुम्हें चारों चार्ज दिए हैं कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ठीक है और कितना हो जाएगा ए बाई रूट टू तो ए तुम्हें तो दिया है रूट टू तो रूट टू अपॉन रूट टू वन ठीक है अब तो वैल्यू भी पुट करनी है कर ही देते लो कितना हो जाएगा सेंटर पे ए बाई आर टेन प्लस फाइव प्लस एट माइनस थ्री अक्का एट माइनस थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स के कितना है नाइन इन ट्वेंटू दावर नाइन टेन की पावर टेन की पावर माइनस सिक्स म्यू है ना म्यू म्यू कुलम और ये ऐड करो यार ये सबसे सुविधा वाला काम तो यही है पंद्रह पंद्रह आठ तेईस माइनस तीन बीस ट्वेंटी एटीन इंटू दस जीरो हो जाएंगे टेन की पावर वन पॉइंट एट टू ट्वेंट्री पावर फाइव सर यूनिट क्या आएगी भैया नाम में जब वी है वोल्टेज है पोटेंशियल क्या होता है वोल्टेज टेन की पावर फाइव वोल्ट अब टेन की पावर माइनस सिक्स आर दिया है रूट टू मीटर यहां कोई दिक्कत नहीं है नाइन इन ट्वेंटू पावर नाइन इनकी पावर माइनस सिक्स ट्वेंटी नौ से छ गया कितना बचा तीन तीन में एक ऐड किया चार एक और ऐड किया पांच ठीक है अच्छा इसको भी रहने दो इसको अभी रहने देते हैं इसको लास्ट में कर ये आओ अब ए पॉइंट पे पूछा है कहाँ ए पॉइंट पे भैया ये एल दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा एल बाय टू ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा उसको L1 ले लेते हैं L1 कितना हो जाएगा अंडरवुड एल स्क्वायर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर फाइव एल स्क्वायर बाय फोर रूट पूरे में है रूट फाइव एल बाय फोर बाय फोर ये आ गया एलवन आ गया अब यहाँ पोटेंशियल पूछा है तो इन दोनों की चारों की वैसे होगा है ना इन दोनों की दूरी कितनी एल बाय टू एल बाय टू इनकी दूरी कितनी है ये तो भैया अगर ऐड करें नेट पोटेंशियल कितना आ गया दो बार के क्यू अपॉन एल बाय टू और बाहर अरे यार टू होगा ना यार ठीक है दो बार इनका अब दो बार इनका इसकी दूरी भी उतनी है इसकी दूरी भी उतनी ही है तो माइनस नेगेटिव में है तो पहले लगा दो माइनस टू के क्यू अपॉन रूट फाइव एल बाय टू तो भैया टू टू ऊपर आ जाएगा फोर के क्यू बाय एल वन प्लस वन प्लस नहीं वन माइनस वन बाय रूट फाइव कोई मैच कर रहा है लो के को ये रखा हुआ है ठीक है अरे अरे एक मिनट रुको है। है, तो ये कितना होगा एल अरे यार जल्दबाजी के भैया काम शैतान का होता है ठीक है एल की जगह टूवेल्व आ जाएगा और क्या एल की जगह क्या आ जाएगा टूएल सब पूरा ब्रस्ट होगा बेकार भैया एल बना दे एल स्क्वायर प्लस टू एल का होल स्क्वायर ले रूट फाइव एल आ गया रहा गया रूट फाइव एल यहाँ क्या था एल यहाँ क्या था फाइव एल ठीक है समझ में आया ना बस डिस्टेंस का ध्यान देना है इन दोनों की दूरी कितनी है एल उन दोनों कितनी है रूट फाइव एल तो इन दोनों के में एल ले लो इन दोनों के के में में इन दोनों के में रूट 5L ले लो तो हर बार सिमेट्री नहीं होती ना हर बार सेंटर पे नहीं पूछेगा तो भैया लगा दिए हमने कंटिन्यूस चार्ज के लिए क्या होगा भैया पॉइंट चार्ज का तो समझ में आ गया कंटिन्यूस चार्ज क्या होगा अगर पांच मिनट रहेगा तो पांच मिनट का ही है? देखना तुम चार मिनट का ठीक है अगर भैया डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर पूरे चार्ज का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है भले बिखरा हुआ चार्ज है पर दूरी बराबर है डायरेक्ट फॉर्मूला देखो जैसे रिंग है ठीक है रिंग पे चार्ज क्यू है रिंग पे चार्ज क्यू है तो अगर यहां लोगे थोड़ा सा डी क्यू कितनी दूरी पे है आर सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल कहाँ निकालना है सेंटर पे ये डी क्यू कितनी दूरी पे है आर ये डी क्यू कितनी दूरी पे है आर ये डी क्यू कितनी दूरी पे है आर तो भैया हर डी क्यू आर दूरी पे है तो पूरा चार्ज ही किस पे है आर दूरी पे है अगर पोटेंशियल निकालोगे ठीक है तो के डी क्यू बाय आर के डी क्यू बाय आर बहुत बार के बाय आर डी क्यू प्लस डी क्यू बहुत बार डी क्यू डी क्यू डी क्यू सबकी दूरी आर है डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू बहुत बार ऐड करोगे डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरा कितना हो जाएगा भैया क्यू हो जाएगा ना हर डी क्यू का एड कर दोगे कितना हो जाएगा क्यू तो ये इंटिग्रेशन ही है क्या होता है इंडिकेशन समेशन होता है है ना कितना आ गया ए क्यू बाय आर राइटिंग भैया सर जी डी <coughs> क्यू प्लस डी क्यू क्यू बाय आर तो रिंग के सेंटर पे रिंग के सेंटर पे अगर रिंग पे चार्ज क्यू है तो रिंग के सेंटर पे कितना होता है फील्ड जीरो थी याद करो फील्ड क्या थी जीरो लेकिन ये जीरो नहीं है क्योंकि तो स्केलर है सबका ऐड हो जाएगा इसका और इसका आमने सामने वाले का भी ऐड हो जाएगा क्या हो जाएगा ऐड एपट्रैक्ट नहीं होगा लो क्या लेमडा चार्ज है एंटर पोटेंशियल बताओ यहाँ पे अब भले भले हम कहें थोड़ी टुकड़ा है रिंग का लेकिन हर चार्ज फिर से कितनी दूरी पे है हर डी क्यू कितनी दूरी पे है आर कितना आ जाएगा हर डी क्यू आर दूरी पे है तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा ओ पे के क्यू बाय आर आ गया आंसर एलू मैच नहीं कर रहा अब क्या करें क्यू दिया नहीं लेमडा दिया है तो क्यू क्या होता है लेमडा इन टू एल और भैया आर की लेंथ क्या होती है आर थीटा पहला फॉर्मूला पड़ा था आर थिट्टा आर तो आर है थीटा कितना है क्यों थीटा कितना है सिक्सटी डिग्री कितना होता है पाई बाय थ्री रेडियन तो भैया पाई बाय थ्री कितना आ गया

आर से आर कट गया लेमडा तो नहीं कट रहा पाई से पाई कट गया कितना आ गया पोटेंशियल आ गया लेमडा ट्वेल्व एप्सुल लेमडा बाय ट्वेल्व एप्सल नॉट ठीक है कोई समस्या अक्का बढ़े आगे लास्ट लास्ट ये भी बहुत सिंपल है हमसे कह रहा है भैया एक्सिस पे यहां पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ एक्स दूरी पे कितने पे ये कितना है आर है ना यहां पोटेंशियल कितना है अब एक बात बताओ एक्सिस पे देख रहे हैं यहां जो चार्ज डी क्यू है उसकी दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना इस वाले डी क्यू की दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो हर डी क्यू की थ्री डी में देखोगे तो हर डी क्यू की दूरी उस पॉइंट से होगी वो कितनी होगी थ्री डी में है पूरा ठीक है हमने ऊपर नीचे वाले देख लिए इसकी 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 हर डी क्यू की दूरी कितनी है इतनी थ्री डी में है ना चीचा थ्री डी में है ऐसे में तो पूरा चार्ज की दूरी कितनी है इतनी ठीक है तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा एक्सेस पे टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कम कोई लफड़ा ही नहीं स्केलर है क्या है स्केलर अब एक्स बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम, बढ़ा तो कम हो जाएगा एक्स बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा बस ग्राफ की बात करेंगे लो ये बन के करा और भैया x को रख दोगे जीरो तो कितना आ जाएगा के क्यू बाय आर क्योंकि सेंटर पे कितना आता है अभी किया था के क्यू बाय आर ठीक है सेंटर पे कितना आता है के क्यू बाय आर के क्यू बाय आर और भैया ठीक है नहीं है अच्छा अच्छा वो जल्दी में हो अब इस तरह भी पॉजिटिव है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव स्केलर है ना डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो राइट right साइड भी पॉजिटिव लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी हो गया जो रह गया है वो कुछ वैसे रह गया नहीं है वो एक रह गया था ये जैसे और वैसे जैसे और वैसे तो ये अगली बार बता देंगे ठीक है चलो आज के लिए तक काफ़ी है टेक केयर और कृपया छत के किनारे से दूर रहें है ना? और लाइव क्लास करेंगे इस हफ्ते ठंड कम हो गई है लेकिन हल्की वल्की लगती है हम जाते हैं ठंड लगती है चलो बाय टेक केयर